पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती। अर्थ, एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है और तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। फिर ऐसे असंतुष्ट मनुष्य को जो कामनाओं से ग्रस्त है, उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ जो कर्मयोग की चरम अवस्था है। वाह प्रभु, वाह, क्या सुंदर बात कही आपने, वाह। हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मोह में फंसाए चले जाएं। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, तुम यूं समझो कि जैसे कोई मनुष्य आंखें बंद करके ये प्रदर्शन कर रहा है कि वो भगवान का ध्यान लगाए बैठा है, परंतु वास्तव में उसके मन की आंखों में भगवान की मूरत नहीं, अपनी प्रेमिका का शरीर घूम रहा है। इसका अर्थ है कि उसकी आंखें तो बंद हैं, परंतु आंखों के विषय उसे फिर भी भ्रमित कर रहे हैं। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे, तो हट के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हट के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी, फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है।